ये देखें जी, ये यहाँ रखने के लिए ली थी। यहाँ से लोग फिसलते थे और यहाँ से भी, मतलब जैसे जूती उतार के पांव ऊपर और एक नीचे, तो इसीलिए अब ये यहाँ से फिसलन नहीं होगी। और दूसरी, इधर भी लोग फिसलते थे और यह यहाँ भी रखी हुई है, और बाकी फिर इजी ऊपर चढ़ के बंदे आगे चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के फजल व करम से आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सब खैरियत से होंगे, और मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश हो खुरम रहें। यकीन करें छांव में ना जरा बंदा इजी इजी सा हो जाता है, और जैसे आप धूप में एंटर होते हैं, धूप में आते हैं, तो बहुत सी गर्मी का सामना, आपको लो वगैरह का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये तो बस एक हमारी सोच है, वैसे अल्लाह पाक जो भी फरमाते हैं, जैसा फरमाते हैं, बेहतरीन फरमाते हैं। गमले इधर से हटवा दिए हैं क्योंकि गमले थोड़े हो गए थे ये, और इतनी गर्मी है, देखें पानी जितना भी डाल लेना इंतहाई ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं। खैर, और एक दो इनमें टूट गए हैं, वो इधर पीछे रखवा दिए हैं। और हमारे सफाई वाले न्यू भाईजान हैं मोहम्मद शफी। कौम खरल, क्या हाल चाल है तुहाडा? ठीक ने, पहला दिन ने तुहाडा दिल से लगो है, दिल से लगो है, बिल्कुल जी दिल ने खाना आया खादा जी सुकून। अच्छा, काम चलो बढ़िया। मोहम्मद शफी मुझे ये सफाई वगैरह टैली करा रहे हैं। अच्छा, और कितने कितने लाए रखा? उन्होंने लाया फुल की, सही हो गया। नहीं यार, सारा लगता मलूम ही मैं, लेकिन जिते खुश्क ला होगा ना उत्ते गना ला देता। बस बंद हो जावन होवन हो जावे तो फिर बंद कर दे। ये मोटर लगी हुई है इधर वाटर सप्लाई का पाइप है, और ये ऐसे, और फिर बड़े पाइप से उधर। सूरत हाल कुछ यूं है कि आज तैयारी हो गई थी गरीब खाने की, तो अभी गरीब खाने आ रहे हैं। बीच में चूंकि रिवर आता है, और रिवर आया हुआ है, और ये इसमें कोई पानी शानी नहीं है काफी दिनों से। एक मैंने पिछला व्लॉग भी यकीनन इसी पे बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो जब रिवर में पानी नहीं होता ना, यकीन करें वो बहुत ऐसे रूखा रूखा सा लगता है, जैसे हम लंगर कर रहे हो, खाना खा रहे हो, और रोटी के साथ सालन ना हो। ये मिसाल हुई हुई है। अभी कोई किसी भी जगह आपको कोई एक घूंट भी नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि अभी वो दरिया का जो एक सिंगार है वो थोड़ा अटका हुआ है, और मामलात कुछ इस तरह के हैं। किश्ती बिचारियां खड़ी की खड़ी हैं वैसे ही, और ये सारी सूरत हाल है। वैसे भी बहुत लाख मुरब्बे आई थिंक सैराब होते हैं रिवर के किनारे। रिवर के किनारे बहुत सारी ज़मीनें आबाद हैं, जो कि इस दफ़ा बस यूं ही हैं। लेकिन सारा मामला अल्लाह ताला की तरफ से होता है, हमारा ये यकीन होना चाहिए, और अल्लाह ताला जो भी फरमाते हैं बेहतरीन फरमाते हैं। प्रॉपर लुक तो कुछ ऐसे है, और वैसे फिर जब वीडियो बनानी हो तब हम साफा उतार दिया करते हैं, या थोड़ा नीचे कर लिया करते हैं। सूरज साहब गरूब होने वाले हैं कुछ ही देर में, और मेरे दोनों अतराफ से फसलें हैं। अली हसैन शाह साहब की लुक भी कुछ ऐसे है, उन्होंने मास्क किया हुआ है, और मैंने साफे का मोलिया वगैरह लगाया हुआ है। अभी तकरीबन गांव में भी हम पहुंच ही आए हैं, रिवर पार कर आए हैं, और रास्ते कुछ ऐसे होते हैं यहाँ कच्चे कच्चे से, और बेहतरीन रास्ते। बहुत गंदे पैर थे ये देखें, और अभी यहाँ से धोए जाएंगे। अभी पाँव बेहतरीन हो गए हैं, पहले मैंने धो लिया था। ट्यूबवेल पे खड़े हैं, यहाँ का पानी बहुत कमाल होता है, तो पानी पीते हैं। मैं कवे की तरफ देख रहा था, ये इधर रहा कवा। ये चप्पल भी काफी अच्छी थी, बोरजान की थी, और इसकी हालत देखें अभी धो धो के ना बुरी हालत कर दी हुई है। अभी जाके दिन कुछ बेहतर हुआ है, और अभी ठंडी हवा वगैरह फील होने लग गई हुई है। अदरवाइज पहले तो बहुत गर्मी, बहुत तेज लो, और इस टाइप का मौसम बना हुआ था। लेकिन कोई बात नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक जो भी फरमाते हैं बेहतरीन फरमाते हैं। और ये है लंगर की मकई जी, यहाँ से लेके वो वहां तक, उससे आगे जो बड़ी वाली है वो आगे शुरू हो जाती है, वो एक और घर की है। बाकी कोई खास तो नहीं लग रही मकई हमारी,
और बस नॉर्मल ही सी लग रही है। खैर अल्लाह पाक जिसमें बरकत डाल देना फिर वो नॉर्मल भी बहुत ज्यादा हो जाती है इंशाल्लाह ताला। और अगर अल्लाह पाक ने जितनी करनी है अल्लाह पाक ने कम करनी है तो फिर यूं ही होती है। वैसे हमारा इस दफा जो बीज था मकई वाला वो लिया तो बहुत अच्छा था लेकिन निकला जरा माठा सा है, इस वजह से पीछे से कोई बाइक भी आ रहा है। खैर गुजर गए। खैर ये तो फिर किस्मत बरात की बात होती है, जितने आपके नसीब में होनी है ना उतनी होके रहनी है। बेशक आप खस्ता बीज ले लें अच्छी हो जाएगी, रेट ज्यादा हो जाएगा। अच्छा बीज लें नॉर्मल हो जाएगी, रेट भी कम हो सकता है। खैर ये तो फिर मामलाते जिंदगी हैं, जिंदगी का पहिया यूं ही चलता रहेगा। तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह ताला और उसके रसूल पाक के सुपुर्द।